30 जनवरी 2018 की घटना है। माखी थाना क्षेत्र में ग्राम अमानखेड़ा बेसिंग को मजरा है, उसमें वादी बच्चा के पुत्र रामविलास जो की दुकान पर परचून की दुकान उसकी थी, परचून की दुकान पर बैठा हुआ था। उसी समय अब चार अभियुक्त नामित अभियुक्त हैं, मोहनलाल लोध, दयाराम लोध, अनीश लोध और सुशील सुनील लोध। ये लोग आ गए और उससे उधार मांगा, और जब उसको उधार देने से उसने मना किया तो उसको इन्होंने बुरी तरीके से मारने पीटने लगे। जब उसकी माँ बचाने के लिए दौड़ी तो उसको भी इन्होंने ब्रूटली मारा और उसके काफ़ी गहरी चोट आ गई सिर पे, जो हुच वॉज डेट्रीमेंटल टू हर लाइफ। और उसके बाद शी वॉज हॉस्पिटलाइज टू हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, लेटर शी वॉज रिफर्ड टू मेडिकल कॉलेज कानपुर, और वहाँ पे शी वॉज ऑपरेटेड अपॉन, उसका ऑपरेशन हुआ और उसके बाद 12-13 दिन बाद शी वॉज डिस्चार्ज। तो उसकी ऐसी उसको चोट पहुँचाई जिससे कि उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। तो ये मुकदमा थाना माखी में पंजीकृत हुआ था 30 जनवरी 2018 को। उसकी आज माननीय न्यायालय ने, माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 7 अल्पनाथ शुक्ला जी ने इसमें दोषी अभियुक्तों को करार दिया और धारा 323 में 1-1 वर्ष की सजा चारों अभियुक्तों को, 1,000 रुपये का जुर्माना, और धारा 308 IPC में 5-5 साल की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना चारों अभियुक्तों को जुर्माने के साथ दंडित किया है।